बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की फिल्म भूत पुलिस 10 सितंबर यानी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। फिल्म में अर्जुन कपूर, यामी गौतम, जैकलीन फर्नांडिस और जावेद जाफरी भी अहम किरदार में हैं। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस स्क्रीनिंग में अभिनेता नील नितिन मुकेश, उनकी पत्नी रुक्मणी सहानी और भाई नमन नितिन मुकेश के साथ पहुंचे थे। इस दौरान नील नितिन मुकेश का कहना था, excited, it's looking really exciting. In fact, Pawan is a very, very dear friend of mine, of course. Ramesh ji, the entire cast, I wish them all the very best. The film's looking really, really nice. It's a genre that I've really loved a lot, and especially horror comedy. I think the entire cast is looking splendid. All of them look like they've done a fantastic job. So looking forward to the film, yeah. ट्रेलर बहुत मस्त है और जैसे मैंने कहा कि हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। सो लुकिंग फॉरवर्ड, अर्जुन इज लुकिंग गुड, सैफ इज लुकिंग फैंटास्टिक, यामी, ऑल ऑफ देम आर लुकिंग टेरिफिक, मिजान जाफरी, जैकलीन फर्नांडिस स्क्रीनिंग में पहुंचे। I loved it. I'm excited to see the film. I'm excited to see my dad's work in the film. So I'm looking forward. I'm going to run. I think I'm late. Dad. वहीं नौरा फतेही भी इस फिल्म को देखने पहुंची। कैसा लगा ट्रेलर आपको भूत पुलिस का? Oh, it's really nice. I enjoyed it. So what do you expect to like? I expect to enjoy my night. Have fun, watch a film, enjoy. Good luck to the team. Chalo, bye guys. फिल्म को पवन कृपलानी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सैफ अली खान विभूति नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो कि पैसों के लिए भूत पकड़ता है। अर्जुन कपूर चिरौंजी नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी भूत पकड़ने की जॉब को सीरियसली लेते हैं। जैकलीन ने कनिका की भूमिका निभाई है और यामी ने फिल्म में माया का किरदार निभाया है। फिल्म को पिछले साल शूट किया गया था जब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कलाकारों और चालक दल को बायो बबल में रहना पड़ा था। INS रिपोर्ट।